दिल्ली में उफनती यमुना नदी से न केवल वहाँ के लोगों के लिए समस्या का कारण बनी है, बल्कि जानवरों के लिए भी समस्या खड़ी हो गई है। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम काफी मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। एनडीआरएफ की एक टीम ने 3 जानवरों को बचाया। इन जानवरों में एक बैल को भी बचाया गया, जिसकी कीमत एक घर और एक BMW कार से भी ज्यादा है। एनडीआरएफ द्वारा बैल को बचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। नोएडा में एनडीआरएफ की मवेशियों को बचाने वाली टीम ने एक ऐसे बैल को बाढ़ से रेस्क्यू किया, जिसकी बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए है। ये बैल प्रीतम वंश का है। टीम द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में से एक में 2 बैलों को दिखाया गया है। इन बैलों के शरीर की चारों ओर रिंग बॉय है, जिन्हें एक नाव की सहायता से एनडीआरएफ टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। यमुना नदी में आई बाढ़ से परेशान इन बैलों को बचा लिया गया। बचाने के बाद जानकारी मिली कि इन बैलों की कीमत 1 BMW X5 से भी ज्यादा है। बता दें, यमुना नदी में पानी से नोएडा में नदी के किनारे लगभग 555 हेक्टेयर की भूमि जलमग्न हो गई है। इस बाढ़ की वजह से करीब 5000 लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। इस दौरान यमुना के पानी से नोएडा के करीब 8 गाँव प्रभावित हुए हैं। यमुना बाढ़ की रिपोर्ट में अधिकारियों ने बताया कि लगभग 6000 जानवरों को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। बता दें, यमुना में आई बाढ़ की वजह से इस साल 45 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। हालांकि यमुना का जलस्तर घटकर 207.68 मीटर पर आ गया है, जो अभी भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। इस दौरान दिल्ली में ITO और राजघाट सहित शहर के प्रमुख इलाकों में पानी भर जाने के कारण सेना तक को बुलाना पड़ गया था।